मॉर्निंग ऑल दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरा नाम है श्रीवास्तव। ओके, एंड टूडेज टॉपिक इज द फर्दर वीडियो ऑफ ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करी थी कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इन सभी का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद में आया होगा। ओके, तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ओके, उसका नेक्स्ट पार्ट बना रहा हूँ मैं। इसमें मैंने दो क्वेश्चन चूज किए हैं। आई हैव चूजन टू क्वेश्चन। वन इज फ्रॉम जो JEE एडवांस लेवल का है। सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम जो है वो WBJEE के लास्ट ईयर का क्वेश्चन है जो मैंने पिक किया हुआ है। तो एक दोनों ही मिक्स टाइप के हैं वर्जन। एक आपको WBJEE का भी आइडिया लग जाएगा और एक आपको JEE एडवांस लेवल के क्वेश्चन का भी आइडिया लग जाएगा। ओके, तो विद दिस क्वेश्चन आई विल बी ट्राइंग टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मैं आपको बताना चाहूँगा। ओके, एंड दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट JEE एडवांस में। चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो कॉम्पिटेटिव लेवल का, हमेशा एक क्वेश्चन एटलीस्ट आता ही आता है। और जितने भी क्वेश्चन जो मैं आपको एक बोल रहा हूँ वो अच्छा क्वेश्चन होता है, तो आपको किसी बेसिक रटने से फॉर्मूला नहीं होने वाला एग्जाम में सॉल्व क्वेश्चन। ओके, शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो एग्जाम में फॉर्मूला लगा के हो जाए, बट बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को ही लेकर होंगे। ओके, तो फटाफट हम उसको विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दैट पर्टिकुलर अपना वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और फॉर दोज जो कि हमारे चैनल पहली बार आए हैं, मैं उनको बता दूं, अवर चैनल कंसिस्ट ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू पर्सनल डेवलपमेंट, अपने स्किल से रिलेटेड। पिछले एक डेढ़ महीने में मैंने वीडियोज डालना चालू किया है एंड आई एम गेटिंग द ह्यूज रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल योर साइड। ओके, तो आई एम जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं ज़रूर वीडियो बना रहा हूँ और मैं मैथ्स के ईच एंड इंडिविजुअल टॉपिक को आई एम ट्राइंग टू टच। ओके, और इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। ओके, तो आई विल बी मेकिंग दिस चैनल वेरी ह्यूज इन कमिंग टाइम। और मैं आपके अपनी ज़रूरत का जितना भी कंटेंट है मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम कंटेंट उसको वहाँ पे डालने का, जिससे आप लोगों की मदद हो पाए। ओके, तो आई ओनली वॉन्ट दिस कि आप लोग बहुत अच्छा अपने अपने करिकुलम में, अपने अपने अकेड्स में कर पाओ। ओके ओके, तो मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग आपको जो लोग सब्सक्राइब करना चाहें वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। ओके ओके, तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इजी क्वेश्चन है ये, WBJEE का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने में हमें क्या दिख रहा है, एज वी नो कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, सभी को पता है पाई बाई टू होता है, ठीक है ना, एक्स माइनस वन से वन के बीच में होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है, पहले हमें कॉसेक इनवर्स एक्स को किसी तरह कॉस इनवर्स एक्स में चेंज करना पड़ेगा। तो कॉसेक इनवर्स एक्स को पहले तो हम लोग साइन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा एक दूसरे का, तो 12/13 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स में जो लिखी होती है वैल्यू, ये परपेंडिकुलर होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। तो कॉस इनवर्स में क्या आ जाएगी, ऊपर में बेस आएगा तो अंडर रूट में 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो इट विल बी 5/13। ओके, तो इट विल बी साइन इनवर्स एक्स बाई 13 प्लस कॉस इनवर्स 5/13। तो इस वैल्यू को आप देखोगे ये वैल्यू आएगी पाई बाई 2 के बराबर। तो पाई बाई 2 के बराबर कब होगी, जब एक्स बाई 13 इक्वल टू 5/13। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो आप खट से यहाँ पे आंसर लगा सकते हो, ये आंसर आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात जो कर रहा था आपको, जो ये एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन ये है, इसमें वैल्यूज़ हमें डिफरेंट निकालनी पड़ेंगी। यहाँ पे अल्फा जो है वो -3/2 से -π के बीच में है। तो tan इनवर्स cot अल्फा माइनस cot इनवर्स tan अल्फा प्लस sin अल्फा प्लस cos इनवर्स cos अल्फा। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं -π प्लस अल्फा, π माइनस अल्फा, 0, 2π प्लस अल्फा, ठीक है ना। देखो अगर मैं आपको एक जनरल तरीका बताऊं, जो निंजा मेथड भी जिसको बोल सकते हो, जिसमें आप पेन यूज़ नहीं करोगे और आंसर आ जाएगा फटाक से, वो कौन सा तरीका है, अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे ध्यान से, तो जो भी वैल्यू आएगी है, पाई बाई 2 माइनस अल्फा या जो भी, पाई बाई 2 माइनस अल्फा तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे इसका जो वो अल्फा वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, -π कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, और -3/2 यहाँ रहेगा। तो ये -π से -3/2 ये है, उससे -π पूरा वैल्यू ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो वैल्यू कुछ डिफरेंट रहेगा पर जो भी रहेगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा रहेगा, यहाँ पे कुछ और पाई बाई 2 माइनस प्लस अल्फा रहेगा, तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, मेरे कहने का मतलब ये है, या जुड़ेगा भी तो 2α होगा। ओके, यहाँ पे भी सेम अल्फा लेट से सिर्फ अल्फा आया यहाँ पे और ये भी सिर्फ अल्फा आया, तो जो भी होगा या तो 2α वाले टर्म्स होंगे, ठीक है ना, या तो सिर्फ पाई वाले टर्म्स होंगे, ठीक है ना। जैसे ये टर्म होने मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे 2α नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पाई माइनस अल्फा दिया हुआ है, यहाँ पे 2π प्लस अल्फा है, यहाँ पे 2α होते ना तो हमें चेक करने की जरूरत होती, तो हम विदाउट एनी चेकिंग हमारा आंसर यही वाला होना चाहिए। ओके, और इसको हम आगे प्रूफ भी करके दिखाएंगे
ठीक है ना, कि क्या आएगा आंसर। मैं आपको जनरल मेथड बता रहा हूँ कि अगर आपका टाइम नहीं है एग्जाम में ज़्यादा सॉल्व करने का, तो आप ऐसे भी थोड़ा हिट एंड ट्रायल से देख सकते हो इस मेथड को। ओके, तो यहाँ पे अपना टाइम सेव कर सकते हो। ओके, तो अब नेक्स्ट अपना देखते हैं कि ना, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, ओके, उस पेज में जगह थोड़ी कम थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे फटाफट से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो अल्फा बिलोंग्स टू -3π/2 से -π। ओके, अब हम एक एक करके सारे एक्सप्रेशंस को तोड़ेंगे और फटाफट आप सीख जाओगे कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को एक अच्छे लेवल पे कर सकते हैं और फटाफट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं WBJEE में भी, जिसमें ये अल्फा की वैल्यू गिवन होती है, ओके, तब इसमें कन्वर्ट करना होता है। प्रोसीजर दोनों में सेम है, मैं जनरल तरीका आपको बता रहा हूँ, स्पेसिफिक किसी पॉइंट के लिए आप इजीली निकाल सकते हो। ओके, तो अल्फा 10 कॉट अल्फा 10 अल्फा में कब कन्वर्ट होगा, आप अगर देखोगे कॉट अल्फा 10 अल्फा में कब कन्वर्ट होगा, कॉट अल्फा पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। सही बोला मैंने, बिल्कुल ठीक है ना। तो अब आप अगर देखोगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3π/2 माइनस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और पाई प्लस लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें 3π/2 वाला ही चक्कर लेना पड़ेगा, बिकॉज कॉट अल्फा जो है, π/2 माइनस भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो π/2 माइनस या 3π/2 माइनस वाला ही लेना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे कॉट अल्फा को 10 अल्फा पे चेंज करना है, तो π/2 के मल्टीपल पे ही लेने पड़ेंगे हमें। ओके, तो लेट्स से हम लोगों ने 10 इनवर्स हम लोग ने यहाँ पे लिखा, ये 10 ऑफ 3π/2, अगर 3π/2 माइनस अल्फा लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, 10 ऑफ 3π/2 माइनस अल्फा, तो दैट विल बी कॉट अल्फा, बट 3π/2 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा बिलोंग्स टू कितना है, -3π/2 से -π है। तो आप जब ये वैल्यू निकालोगे तो 3π/2 माइनस अल्फा कितने से कहाँ पहुँच जाएगा, ये आ जाएगा 0 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 3π/2 प्लस पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो उसके डोमेन रेंज से ही बाहर हो गया, 10 अल्फा की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 होती है, तो ये तो 5π/2 हो गया, तो ये तो गलत हो गया। ओके, अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, जुगाड़ और क्या हो सकता है इसका जुगाड़, 3π/2 माइनस अल्फा होगा नहीं, क्योंकि उससे रेंज में फिर से गड़बड़ी आएगा, π/2 तो छोटा हो गया नंबर, इसको हमें 3π/2 से ही कुछ ना कुछ खेल करना पड़ेगा इसके साथ, तभी होगा हमारा काम। और इसका हो सकता है -3π/2 माइनस अल्फा अगर करो अगर, तो क्या होगा इससे, इससे होगा माइनस में 3π/2 प्लस अल्फा हो जाएगा। हाँ, अब इससे देखोगे अगर आप, तो 3π/2 प्लस अल्फा जो होगा, वो 3π/2 प्लस अल्फा कहाँ पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो एक माइनस अंदर से बाहर निकलेगा कॉट वाले से, और एक माइनस ये है तो प्लस हो जाएगा। अब अल्टीमेटली इससे चेक कर लेते हैं, तो ये -3π/2 अल्फा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये आप अगर अल्फा की वैल्यू चेक करोगे तो -3π/2 माइनस जब करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और -3π/2 माइनस मतलब प्लस हो गया, तो ये बिलोंग्स टू -π/2 आ जाएगा, तो ये -π/2 इधर आ जाएगा, ये 0। ओके, तो ये हमारा आ रहा है, क्योंकि 10 इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। ओके, तो ये इसमें उसका सबसेट है, तो इजीली सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -3π/2 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। ओके, अब इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, अब यहाँ से ये 10 इनवर्स अपना कट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, -3π/2 माइनस अल्फा, मतलब फर्स्ट वाले टर्म का जो आंसर रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आएगा -3π/2 माइनस अल्फा आएगा। होपफुली आप समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरीके से फ्रेंड्स, फटाफट हम कॉट इनवर्स 10 अल्फा को निकाल सकते हैं। इसका जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, मतलब हमें अंदर जो बनाना है वो 0 से पाई तक बनाना है। अब 0 से पाई तक बनाना है, तो एक बार π/2 भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो 10 अल्फा होता है वो आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 10 अल्फा पॉजिटिव कहाँ पे होता है, पहले क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, तो पहले क्वाड्रेंट में क्या करेंगे हम लोग, इसको एक बार चेक करके देखते हैं, ठीक है ना। 10 अल्फा को हम लोग, अल्फा बिलोंग्स टू -3π/2 से -π है, तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, अब चूंकि 0 से पाई चाहिए, तो हम लोग इसलिए 3π/2 नहीं लेंगे, इस बार π/2 से काम चल जाएगा हमारा। तो π/2 माइनस अल्फा एक बार करके देखते हैं क्या आ रहा है, थोड़ा ये गंदा आएगा, क्या आएगा, π/2 माइनस जब करोगे तो 4π, तो ये 2π आ जाएगा, तो π/2 माइनस करोगे यहाँ पे, तो ये 3π/2 आ जाएगा प्लस में, तो ये तो ज़्यादा हो गया पाई से, ठीक है ना। थोड़ा और सोचते हैं, -π/2 माइनस अल्फा करें एक बार, तो -π/2 माइनस अल्फा करेंगे तो 3π/2 माइनस π/2 कितना आएगा, ये तो पाई आ जाएगा, ठीक है ना, और ये पाई माइनस π/2, तो ये आ जाएगा π/2 से पाई। ओके, तो हमारा काम बन जाएगा यहाँ से,
माइनस पाई बाई टू माइनस अल्फा और टेन कॉट इनवर्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ऑफ माइनस पाई बाई टू माइनस अल्फा। माइनस पाई बाई टू माइनस अल्फा लिखने से क्या फायदा होगा, एक तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा और एक माइनस बाहर दे देगा, तो दोनों ही केस में जो रिजल्टेंट आएगा वो प्लस हो जाएगा हमारा। ओके, इसको आप अगर थोड़ा और मैं सॉल्व करके लिख दूं आपकी सहूलियत के लिए, तो ये आ जाएगा पाई बाई टू प्लस अल्फा, तो इट विल बी कॉट इनवर्स, माइनस में दो बार माइनस हो गया तो इट विल बी प्लस कॉट अल्फा। तो हमारा आंसर सही है, अल्फा ही आना चाहिए लास्ट में, तो मतलब हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू माइनस अल्फा इस एक्सप्रेशन का सेकंड वाले का। ओके, तो आप समझ रहे होगे सेकंड वाले का ये आया। देन अब मैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन की बात करूँ, अगर देखो अब जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन बचे ना वो तो इजी है काफ़ी, साइन इनवर्स साइन अल्फा है, कॉस इनवर्स कॉस अल्फा है, वो तो सेम ही है उन दोनों में अंदर वैल्यूज, तो ये इजी है पिछले वाले के कंपैरिजन में समझना। मतलब इसमें पाई वाला खेल चलेगा बिल्कुल, क्योंकि पाई वाला खेल क्यों चलेगा, क्योंकि कॉस पाई माइनस अल्फा या पाई प्लस अल्फा पे ही हम वापस कॉस अल्फा ला सकते हैं, तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इस खेल को स्टार्ट करते हैं कि कौन सा खेल चलेगा यहाँ पे, तो साइन इनवर्स साइन अल्फा है जैसे यहाँ पे। अब हमें अल्फा गिवन है माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई, तो देखते हैं क्या चेक करना है हमें। ओके, तो क्या चेक करेंगे हम, अब चूंकि वी नो साइन पाई माइनस अल्फा कितना होता है, साइन अल्फा होता है, तो पाई माइनस अल्फा पे एक बार चेक करके देख लो आप कितना आ रहा है, थोड़ा गंदा आएगा ये, टू पाई हो जाएगा, पाई माइनस थ्री पाई बाई टू, ठीक है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो पाँच पाई बाई टू और ये टू पाई आ जाएगा, तो टू पाई से लेकर पाँच पाई बाई टू, ये तो बहुत गंदा है, बिल्कुल ही बेकार हो गया है, तो ठीक है ना। अब हम उल्टा चेक करेंगे क्या, माइनस पाई बाई टू माइनस अल्फा, क्योंकि साइन प्लस पाई प्लस अल्फा कितना होता है, माइनस साइन अल्फा, और एक माइनस बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस पाई माइनस अल्फा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, माइनस पाई पाई प्लस थ्री पाई बाई टू, तो माइनस पाई प्लस थ्री पाई बाई टू और माइनस पाई प्लस पाई, तो जीरो हो गया, सही है, ये आ गया हमारा पाई बाई टू जीरो, तो ये बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाई टू, और साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू क्लोज ब्रैकेट में होता है से पाई बाई टू क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना। तो ये हमारा सहूलियत भी है, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस अल्फा इस एक्सप्रेशन का। अब इस एक्सप्रेशन का देखो आप भी बता सकते हो बहुत इजीली, कॉस अल्फा कहाँ पे पॉजिटिव होता है, एक पहले में और एक चौथे में, तो चौथे में क्या होता है, टू पाई माइनस समथिंग होता है, तो टू पाई माइनस समथिंग करोगे तो बहुत गंदा आएगा, टू पाई प्लस कर लो बहुत ईजी हो जाएगा, तो टू पाई प्लस अल्फा कहाँ से कहाँ तक होगा, टू पाई माइनस थ्री पाई बाई टू और टू पाई माइनस पाई, मतलब पाई हो गया, ये बात बिल्कुल सही आई है, ये आ गया पाई बाई टू आ गया ना, तो पाई से लेकर पाई बाई टू से लेकर पाई, बिल्कुल बढ़िया आया हमारा ये, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई टू से, सॉरी जीरो से पाई होती है इसकी रेंज, तो हमारे रेंज के बिल्कुल अंदर बैठा है, बिल्कुल सही आया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये टू पाई प्लस अल्फा। तो आप सबको जोड़ के देख लो अब एक बार, हमारा आंसर फाइनल क्या आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन क्या था, टेन इनवर्स कॉट अल्फा में ये वैल्यू लिखेंगे और कॉट इनवर्स टेन अल्फा में ये वैल्यू लिखेंगे, तो माइनस थ्री पाई बाई टू माइनस अल्फा, माइनस में माइनस पाई बाई टू माइनस अल्फा, और ये दोनों प्लस में है, ये माइनस पाई माइनस अल्फा टू पाई प्लस अल्फा, बिल्कुल अब जोड़ लो फटाक से आ जाएगा आंसर, माइनस थ्री पाई बाई टू माइनस अल्फा प्लस पाई बाई टू प्लस अल्फा, और ये तो पाई ही बचा सिर्फ, अल्फा अल्फा कट जाएगा, ये कटा, तो आ जाएगा माइनस पाई प्लस पाई, तो इट विल बी जीरो। तो आप बहुत बढ़िया तरीके से आंसर निकाल सकते हो, आप किसी भी वैल्यू को चेक कर सकते हो। ओके, तो लास्ट एट लास्ट आई विल बी गिविंग यू सम होमवर्क कि आप कैसे इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो, तो कुछ मैं वैल्यूज यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनकी वैल्यूज आप बताना कितनी आएगी फाइनल, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, इसकी वैल्यू एक बार निकालना, और निकाल के आप कहाँ पे बताओगे, कमेंट सेक्शन में, फोन करके नहीं बताना मुझे, ठीक है ना, बताना। ओके, जो भी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उनकी क्वेरीज को मैं सबसे पहले रिप्लाई करूंगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त लगेगा, बहुत अच्छी तरह बहुत सारी चीज़ें से समझ में आई होंगी। ओके, तो टुमारो आई विल बी गिविंग अ वीडियो अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें मैं एक पहला वीडियो डालूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है ना, एंड आई एम गेटिंग अ ह्यूज रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, तो उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप अपना बहुत कीमती टाइम निकालकर मेरे वीडियोज़ को देख पा रहे हो। ओके, और टिल अवर नेक्स्ट वीडियो आई विश यू ऑल द